फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल ज्ञान प्रताप मु प्रताप कुमार विश्वाल आपन समस्त को स्वागत करुच्ची मोर आउ एक नुआ दमदार वीडियो को। आज वीडियो रे हमने डिस्कशन करिबा जो मैंने पीजी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हिस्ट्री दे थिलो तार फुल एक्सप्लेनेशन सहित आंसर कि आनी पार्ट वन एवं पार्ट टू दुईट पार्ट रार्ट वन रर्टी फाइव क्वेश्चन एवं पार्ट टू रर्टी फाइव क्वेश्चन। तो तुम समस्ते कौन कर तुम पाखे गोटे खाता और पेन धरिकी बस तुम जो जो क्वेश्चन आंसर तुम ठीक कर एक एक जोड़ी चल जब तुम भूल करदेव। तो आशा करूँ वीडियो माध्यम आपको संपूर्ण इनफर्मेशन मिले यहाँ आपको कौन से प्रकार वीडियो देखकर आवश्यकता रही ना। जदि आपको वीडियो बहुत भल लगुच निश्चित आम चैनल गोटे सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ कमेंट करूँ पाखे थे बेल आइकन बजाय के भी भूलिबे ना। चलास्ट कर आज वीडियो देख पे आज वीडियो कौन रोचे फास्ट क्वेश्चन रही देख ये मार्किंग करदे फास्ट क्वेश्चन रही पे देख व्हिच वाज ए मेजर पार्ट ऑफ इंडस वैली एम जो तीन चार ऑप्शन दे चानुदार मेहरगढ़ लोथाल आउ कालीबांगन या मधर कौटा हो गोटे मेजर साइट इम्पोर्टाट साइट कह भाव कौटा गोटे इम्पोर्टाट साइट मेजर साइट यादव कौटा गोटे मेजर साइट। तो यार राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी लोथाल ऑप्शन नंबर सी लोथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख द फास्ट मेटल डिस्कवर बाय मैन वाज प्रथम को मेटल को प्रथम कौन होता ना व्यवहार होता आविष्कार कराइला अच्छे जिंक कॉपर आयरन एल्युमिनियम। तो यार करेक्ट आंसर कौन पे यार करेक्ट आंसर है कॉपर टू नंबर बी हूँ यार करेक्ट आंसर बा कॉपर। तीन नंबर क्वेश्चन पे देख तीन नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी विथ द पीपल ऑफ व्हिच कंट्री हरप्पन पीपल कैरियर ट्रेड हरप्पर अधिवासी मैंने जो थे से मैंने क्यों देश सहित कौन थी ना वाणिज्यिक संपर्क थी देख ऑप्शन कौन दे रशिया सुमेर चाइना ईरान। तो यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन थी तो मैंने करदे थोड़ा हूँ यार करेक्ट आंसर हूँ सुमेर बी बी हूँ यार करेक्ट आंसर। पे चार नंबर को जी चार नंबर देख पे कौन अच्छी तो हरप्पन ब्रिक्स वेयर मेनली हरप्पन जो ब्रिक्स था गोटे केमी या हैंडमेड ना कट विथ हेल्प ऑफ सीजल सन विथ हेल्प ऑफ सॉ लाइक इंस्ट्रूमेंट ना मेड इन एन ओपन माउल्ड केमी या तो यार करेक्ट आंसर पे कौन हम ना यार करेक्ट आंसर हम चार नंबर ए यहाँ कौन थी ना हैंडमेड था चार नंबर ए हूँ यार करेक्ट आंसर यहाँ हूँ हैंडमेड था। नेक्स्ट पे दे पांच नंबर क्वेश्चन देखिए पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हरप्पन साइट लोकेटेड इन राजस्थान एथिमदर जो ऑप्शन दे चार ऑप्शन एथिमदर कौ साइट जोटा कि राजस्थान अच्छी देख पे ऑप्शन अच्छी कालीबांगन लोथाल मौजदार एंड सुक्ता जेंडर। तो यार करेक्ट आंसर कौन पे पांच नंबर करेक्ट आंसर तुम ऑप्शन नंबर ए कालीबांगन कौट अच्छी राजस्थान में अच्छी। पे देख मु पूरा डिटेल्स इनफर्मेशन सहित मानक कह वन बाय वन डिस्कशन करवा। छः नंबर क्वेश्चन पे देख राइस कल्टिवेशन इज एसोसिएटेड विथ व्हिच हरप्पन साइट राइस कल्टिवेशन होता बोली आमको कौ साइट्रु इनफर्मेशन हरप्पा सभ्यतार मिले ऑप्शन देख कौन अच्छी कोटजी रोपार कालीबांगन लोथाल। तो छः नंबर करेक्ट आंसर पे कौन हम छः नंबर करेक्ट आंसर हम लोथाल ये लोथाल रु आमको कौन हुए ना राइस कल्टिवेशन इनफर्मेशन मिले जदि ठीक हो एक एक जोड़ी चल के क्वेश्चन ठीक कर पार्छ निजे भी ट्राए कर। सात नंबर पे आंसर देख सात नंबर क्वेश्चन प्रथम कौन देख सात नंबर क्वेश्चन रोज पे इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन को अन्य क्यों नाम जानती। तो सात नंबर क्वेश्चन आंसर कौन पे ऑप्शन देखिदे स्टोन एज आयरन एज अर्बन रूराल। तो समस्त जानते पे हरप्पा सभ्यता थी कौन गोटे सहरी सभ्यता तो सात नंबर आंसर कौन हम सात नंबर आंसर हम सी सात नंबर आंसर कौन हम ना सी हरप्पन सिविलाइजेशन कौन थी ना गोटे अर्बन सिविलाइजेशन बा सहरी सभ्यता। आठ नंबर पे क्वेश्चन देख कौन रही तक्षशिला वाज फेमस साइट ऑफ जो तक्षशिला तुम जान नालंदा तक्षशिला विक्रमशिला सब फेमस साइट गोटे थी तो तक्षशिला नालंदा विक्रमशिला सब थे ऑप्शन ये आक्षशिला तक्षशिला वाज द फेमस साइट ऑफ तक्षशिला कौन पर फेमस बा कौट पाई फेमस गुप्त आर्ट पाई मरियन आर्ट पाई आलिवेदिक एज पाई
बा गांधार आर्ट पाई। तो आठ नंबर करेक्ट आंसर प्राय समस्त जान थ आठ नंबर आंसर हे ऑप्शन नंबर डी। देख पिला माने मु को बहुत पढ़ला पर क्वेश्चन गुड़ा आंसर बाहर करी तुमको जदि कौ आंसर टी भूल लगुच्छी तेल तुम गोटे काम कर मत कमेंट बॉक्स रे कमेंट करदेव जो फल पाने तार इनफर्मेसन पाइपर जो तुमको किसी भूल लगुच विथ प्रूफ सहित तुमने देवा भल न पाने एपट सेपट भूल इनफर्मेसन पाईपारती। तो न पाने देख नौ नंबर क्वेश्चन कौन रही द आईहोल प्रशस्ति वाज कंपोज्ड बाय होम आईहोल प्रशस्ति को किए कंपोज कर देख ऑप्शन अच्छे ए रे हरिसेन बी रे अच्छी कौन न्यायनिकार सी रे अच्छी कौटिल्य रविकीर्ति। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम पाने देख नौ नंबर करेक्ट आंसर कौन हम ना नौ नंबर करेक्ट आंसर हम डी रविकीर्ति कौन करते ना आईहोल इनस्क्रिप्शन लिखी थे तेल हरिसेन किए ना हरिसेन आल्लाहाबाद पिलार इनस्क्रिप्शन लिखी थे जोटा कि किए थे आल्लाहाबाद पिलार इनस्क्रिप्शन कार कोर्ट पोएट थे ना समुद्रगुप्त कोर्ट पोएट थे किए हरिसेन आउ कौटिल्य तुम जानते हो तो कौटिल्य चंद्रगुप्त राजा चंद्रगुप्त दरबार थे किए ना कौटिल्य। देख दस नंबर पॉइंट पे देख दस नंबर पॉइंट कौन रोचे मुझे जूम करदे सभा और समिति आर टू डेमोक्राटिक इनट्यूशन अफ सभा समिति जो थी दुटा था कौन ना डेमोक्राटिक इनट्यूशन थी सभा और समिति। तो यहाँ क्यों समय हिली ट्राइब्स अफ इंडिया ना इंडस वैली पीपुल सभ्यता समय रे ना ऋग्वेदिक आरियान ना द्राविडियन। तो कौ सभ्यतार आम सभा समिति देखा पाती पिला तुम ऋग्वेदिक सोसाइटी पढ़ी थो तुम से जापार कौन ना सभा और समिति। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम यार करेक्ट आंसर हम ऋग्वेदिक आरियान। नेक्स्ट जी देख ये भाया भल लग जू मैं भल लगे तो आम एम देखा। तो नेक्स्ट पे क्वेश्चन देख एगार नंबर क्वेश्चन द फेमस फिजिशियन ड्यूरींग बुद्धिस्ट टाइम वाज बुद्धों समय बुद्धों एज बुद्ध को समय बुद्धों एज हो सिक्स सेंचुरी बीसी जैन सिक्स सेंचुरी बीसी। तो बुद्धिस्ट जो समय थी बुद्धि बुद्ध बुद्ध बुद्धिस्ट एज समय किए थे फेमस फिजिशियन चरक जीवक कौटिल्य आउ नचिकेता। तो कौटिल्य नचिकेता हेबे ना कहना कौटिल्य नचिकेता होती कौ समय आम मोड़ ने समय तो हम ना। तो जीवक आउ चरक रही गल दीज। तो यार करेक्ट आंसर कौन पे देख एगार नंबर करेक्ट आंसर हे ऑप्शन नंबर बी जीवक थे। ओके चरक कौन लिखते चरक समिता जीवक होती कौ समय ना बुद्धों समय जड़े फेमस फिजिशियन थे। बार नंबर क्वेश्चन पे देख इन ह्विच आनसीएंट मार्किंग करदे इन ह्विच आनसीएंट टेक्सट डु यू फाइंड द आर्लीएस्ट रेफरेन्स टू द वर्ण सिस्टम जे यही थर ये क्वेश्चनटा एस एस बी एक्जाम पड़ा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो लेक्चरशिप हुए से एक्जाम पड़ा यहाँ जे वर्ण सिस्टम आर्लीएस्ट रेफरेन्स आम कौटू पाते देख ऑप्शन अच्छे अथर्ववेद शतपथ ब्राह्मण मनुसमिता ऋग्वेद। तो पिलामाने समस्त मारदे जेहेतु अथर वेद लेटर वेद के लिखाई ना ये आकचुअली लिखाई ऋग्वेद यहाँ आकचुअली आंसर हम ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो टेन्थ मंडल अच्छी टेन्थ मंडल जो पुरुषोक्त बोली गोटे अच्छी तो से पुरुषोक्त लिखाई कौन ना ऋग्वेद ऋग्वेद जो टेन्थ मंडल अच्छी दशम मंडल जो पुरुषोक्त अच्छी से पुरुषोक्त कौन लिखाई था ना तुम मानक कौन कौ विषय ना वर्ण सिस्टम पर तुम जानते हो पाने वर्ण आउ वर्णाश्रम दुईटा डिफरेन्ट वर्णाश्रम हूँ स्टेज अफ लाइफ चार्टा स्टेज लाइफ थी पर स्टेज को कैसे भाग कर 25 पर लाइफ स्टेज फास्ट कौन थी पाला किए कहीपर तुम मत प्रायत मत कमेंट बक्स में कमेंट कर वर्णाश्रम सिस्टम जो थी वर्णाश्रम सिस्टम कौन कौन आस सिस्टम कौन कौन आस वर्णाश्रम सिस्टम को प्रति स्टेज को 25 इयर में भाग कर 25 इयर्स। तो वर्ण तुम जानते हो ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र ये प्रथम कौट मेनसन था ना ऋग्वेद जेहतु मुझ कम्प्लीट इनफर्मेशन दूसरी बुझे कौन तो समय लगे 35 क्वेश्चन पर पार्ट्रे रखी। 13 नंबर क्वेश्चन पे देख द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी इज जो भारतर तुम मैंने जानते हो फिलोसफी थिला हाँ तो सबुठ ओल्ड सबुठ पुराना फिलोसफी स्कूल बा सबुठ पुराना स्कूल कोटा फिलोसफी रहा हूँ देख पे वैशेखा अच्छी कर्ममीमांसा अच्छी योग अच्छी आ सांख्य अच्छी। तो यार करेक्ट आंसर पे कौन हम यार करेक्ट आंसर पे सांख्य सांख्य हूँ सबुठ पुराना। ओके योग तो आम पाखापाखि 5th-6th सेंचुरी समय आसी सांख्य ताठ पुराणा कर्ममीमांसा पलैसी वैश्विक पलैसी। 14 नंबर क्वेश्चन पे देख मु मार्किंग करदे
ହ୍ୱିଚ୍ ରୁଲର୍ ୱାଜ୍ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଅଫ୍ ବୋଥ୍ ବୁଦ୍ଧ ଆଣ୍ଡ ମହାବୀର। ଯେ ଏଥି ମୁଁ ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଅପ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଏଇ ଅପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଜୈନଙ୍କର କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ। କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମାନେ ବୁଝ, କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମାନେ କ'ଣ, ସମସାମାୟିକ। ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଜୈନଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ ସମସାମାୟିକ? ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖ ଅଛି, ପ୍ରଦ୍ୟୋତ ଅଛି, ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଅଛି, ବିମ୍ବିସାର ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଅଛି। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ ବି ବି ବିର କ'ଣ ଆସେ ପିଲାମାନେ? ଚଉଦ ନମ୍ବର ବି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଚଉଦ ନମ୍ବର ବିର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅଜାତଶତ୍ରୁ। ଅଜାତଶତ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏହାର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବହୁତ 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 ଭାବୁଛନ୍ତି ବିମ୍ବିସାର, ନାହିଁ ବିମ୍ବିସାର ହେବନି, ଅଜାତଶତ୍ରୁ ହିଁ ହେବ। ଓକେ, ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ପିଲାମାନଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଏ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଜେନୋଲୋଜିକାଲ ଟେକ୍ସଟ। ତ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଜେନୋଲୋଜିକାଲ ଟେକ୍ସଟ? ଓକେ, ତ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବ, ୱାନ୍ ଫୋର୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଏମିତି ଜେନୋଲୋଜିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସହିତ ଦିଏ। ତାକୁ ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ, ଦୀପବଂଶ, ସୂତପିଟକ ଆଉ ବିନୟ ପିଟକ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ ପିଟକକୁ ତିନି ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ସୂତପିଟକ, ବିନୟ ପିଟକ, ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଜେନୋଲୋଜିକାଲ, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଜେନୋଲୋଜିକାଲର କେଉଁଟା ଟେକ୍ସଟ, କେଉଁ ବହିଟା ମଧ୍ୟରୁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଜେନୋଲୋଜିକାଲ ଟେକ୍ସଟଟା? ତ ପନ୍ଦର ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଦୀପବଂଶ। ଓକେ, ପନ୍ଦର ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଦୀପବଂଶ। ଷୋହଳ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଷୋହଳ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆକୁ ନେଇଯାଉଛି ଏଠିକି। ଷୋହଳ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମାର୍କିଂ କରିଦେଉଛି, ଦ ମୌରିୟନ୍ ରୁଲର୍, ଦ ମୌରିୟନ୍ ରୁଲର୍ ହୁ ୟୁଜ୍ ଦ ନେମ୍ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ୱାଜ୍। ପିଲାମାନେ ମୋତେ କହିବ ଯେ କିଏ ନିଜକୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଟା ବହୁତ ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ବୃହଦ୍ରଥ, ବିମ୍ବିସାର, ଅଶୋକ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ପିଲାମାନେ ମୋର ତୁମକୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବ, ମୋ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେବ, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ନା ତା'ର ନାଁକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ମୋର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ବୋଲି ଅଶୋକଙ୍କୁ କେଉଁ ଇନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ପାଆନ୍ତି? ଅଶୋକଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ବୋଲି ଆମେ ଅଶୋକଙ୍କ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରୁ ଜାଣନ୍ତି? ଯିଏ ମୋତେ କହିଦେବ, ମୁଁ ଯେ ନାଁ ମୋତେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେବ, ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଅପ୍ସନ୍ ମୋତେ ନାଁ ଲେଖି ମେନ୍ସନ୍ କରିବ, ମୁଁ ତା ନାଁକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେବି ଯେ ଏଇ ପିଲାଟା ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି। ସମସ୍ତେ ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। ସତର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ସେଡ୍ ଅଲ୍ ମେନ୍ ଆର୍ ମାଇ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଏ କହିଥିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ରୁଲର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଏ କହିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସନ୍ତାନ? ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଆଇ ଡିଜାୟାର ହାପିନେସ୍ ଇନ୍ ଦୋଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦ ନେକ୍ସଟ ସୋ ଅଲସୋ ଆଇ ଡିଜାୟାର ଟୁ ଅଲ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସନ୍ତାନ, ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ତୁମେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଧଉଳି ଆଉ ଯୌଗଡ଼ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ପଢ଼ାଯିବ, ତୁମେ ସେ ଧଉଳି ଆଉ ଯୌଗଡ଼ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଅଲ୍ ମେନ୍ ଆର୍ ମାଇ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଏଇଟା କେଉଁଠି ଲେଖା ଅଛି? ବେଳେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଏଇଟା କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ତୁମକୁ ଧଉଳି ଆଉ ଯୌଗଡ଼ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପ୍ରାୟତଃ ଧଉଳି ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଅଲ୍ ମେନ୍ ଆର୍ ମାଇ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ତ ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ ନା, ଏକଥା ଅଶୋକ କହିଥିଲେ। ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ପରେ, କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ କେବେ ହେଇଥିଲା? 261 BC ପରେ। ତ ଚଣ୍ଡା ଅଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ହେଇଗଲେ, ତ ତାପରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳେ ନା, ଅଶୋକ ନିଜକୁ କହିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲ୍ ମେନ୍ ଆର୍ ମାଇ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ବେଳେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଅଶୋକଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଠୁ ସୂଚନା ମିଳେ ନା, ଶାହାବାଜଗଡ଼ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ର ଅଶୋକଙ୍କ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ 13। ଶାହାବାଜଗଡ଼ ଠାରେ ଯେଉଁ ଅଶୋକଙ୍କ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଛି ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ 13, ମୁଁ ସେଥିରୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳେ ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଲ୍ ମେନ୍ ଆର୍ ମାଇ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କେଉଁ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଧଉଳି ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ କହିଛନ୍ତି। କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା, ଅଶୋକ। ଅଠାନବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଗୁପ୍ତ ରୁଲର୍ ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଲିଚ୍ଛାବି ଦୁହିତ୍ରା, ବା ଲିଚ୍ଛାବି ଦୁହିତ୍ରୀ ବୋଲି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ ଅପ୍ସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, କୁମାରଗୁପ୍ତ, ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସେକେଣ୍ଡ। ତ ଅଠର ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଲିଚ୍ଛାବି ଦୁହିତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ବି ଲେଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆର ନେପୋଲିଅନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସେକେଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ଆଉ ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ କିଏ ନା, ଲାଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁପ୍ତ ରୁଲର୍। ଓକେ, ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର୍ ନୁହଁ, ଲାଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁପ୍ତ ରୁଲର୍। 19 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ହୁ ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଅମୃତ ଘାଟ। ଅମୃତ ଘାଟ ଟାଇଟଲ୍ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଅଶୋକ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ବିନ୍ଦୁସାର, ବିମ୍ବିସାର। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? 19 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବିନ୍ଦୁସାରକୁ ଆମେ ଅମୃତ ଘାଟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି।
बिंदुसार को बिंदुसार किए बिंदुसार होती चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य पर किए सिंहासन कले बिंदुसार। बिंदुसार पर किए आसिले ना अशोक। ये कौ डायनेस्टी ना मौर्य डायनेस्टी। किंतु जो अजात शत्रु थिले आउ तापर बिंदुसार हाँ बिंदु सरी बिंबिसार। बिंदुसार तो हूँ मौर्य डायनेस्टी बिंदुसार एम सब कौन हरियाणकड़ हरियाणक डायनेस्टी थे आ अशोक तो जानव तो समुद्रगुप्त तो होती गुप्त डायनेस्टी आउ कौन ओके नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन जीवा 20 नंबर क्वेश्चन पे देख द यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला वाज एस्टाब्लिश बाय पे देख मत जो पिलाटी पी डी एफ पठाई से मत यही आकार पठाई भिडियोटी आकार आसूसी तो पे कि भी खराब भावना तुम पाठ थे मतलब रख द यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला वाज एस्टाब्लिश बाय इनभ विक्रमशिला मुझे तुमको पूर्व कही विक्रमशिला तक्षशिला नालंदा ओडिशा गोटे यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी ना किए कह से ओडिशा गोटे यूनिवर्सिटी ओडिशा यूनिवर्सिटी ना कहला पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी। ओडिशा यूनिवर्सिटी ना कहला पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी। पे देख द यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला किए प्रतिष्ठा करते विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किए प्रतिष्ठा करते ऑप्शन देख धर्मपाल महिपाल देवपाल गोपाल 20 नंबर करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल जी थे धर्मपाल कौन करते ना विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को प्रतिष्ठा करते कौ यूनिवर्सिटी ना विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किए प्रतिष्ठा करते धर्मपाल। नेक्स्ट जी पे 21 नंबर क्वेश्चन देखा 21 नंबर क्वेश्चन देख हु कंस्ट्रक्टेड द राजेश्वर टेम्पल आट अफ तांजोर। राजेश्वर टेम्पलटा कौ समय पे किए कह राज राजेश्वर टेम्पल एट चोल समय चोल डायनेस्टी समय तैयारी करते किए तैयारी करते देख राजेश्वर टेम्पल कौ समय राजेश्वर टेम्पल कौटी अच्छी ना तांजोर में अच्छी कौ समय राजेश्वर टेम्पल कौ समय ना चोल समय चोल एम्पायर समय तो किए प्रतिष्ठा करते देख पे ऑप्शन आसूँ राजाधिराज चोल वीर राजेन्द्र चोल राजेन्द्र चोल राजराज चोल। तो 21 नंबर करेक्ट आंसर पे कौन हम ना 21 नंबर करेक्ट आंसर हम राजराज चोल। राजराज चोल कौन करते तैयारी करते राजराजेश्वर टेम्पल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 22 नंबर क्वेश्चन देख पे कौन रोचे ह्विच स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिस्ट ह्विच स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिस्ट इन द रीजन बिटवीन द लोअर वैली ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी ड्यूरिंग सेकेंड सेंचुरी बीसी एंड थर्ड सेंचुरी सीई। सीई माने कॉमन एरा बीसीई मीन्स बिफोर कॉमन एरा देख बीसीई कन्फ्यूज हो नहीं बट बीसी दिए बीसीई भी दिए बीसीई मीन्स बिफोर कॉमन एरा सीई मीन्स कॉमन एरा। तो पे देख तो आमर कौ स्कूलटा डेवलप होता सेकेंड सेंचुरी बीसी समय सेकेंड सेंचुरी बीसी नहीं कि थर्ड सेंचुरी सी पर्यंत कौटी लोअर कौटी डेवलप होता ना लोअर वैली ऑफ कृष्णा और गोदावरी जे सेकेंड सेंचुरी बीसी नहीं कि थर्ड सेंचुरी सी पर्यंत जो लोअर कृष्णा वैली थी से लोअर कृष्णा वैली पाखे कौ स्कूल डेवलप होता पे देख ऑप्शन अच्छी नागार्जुन स्कूल अमरावती स्कूल गांधार स्कूल मथुरा स्कूल। तो यार करेक्ट आंसर पे कौन हम यार करेक्ट आंसर कौन हम पे यार करेक्ट आंसर 22 नंबर करेक्ट आंसर हम अमरावती स्कूल अमरावती स्कूल। 23 नंबर पे देख मांडासोर पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ द आर्ली मांडासोर पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ द आर्ली सिक्स सेंचुरी सी बिलोंग्स टू मांडासोर पिलर इंस्क्रिप्शन क्यों विषय सूचना दिए समुद्रगुप्त मिश्र कौटा सूचना दिए आलाहाबाद आईओल का विषय कौ आईओल को किए लिखी थे ना आईओल को रविकीर्ति से भाया पे मांडासोर पिलर इंस्क्रिप्शनटा जो अच्छी से विषय में सूचना दिए मांडासोर पिलर इंस्क्रिप्शन कौ समय ना सिक्स सेंचुरी सी ऑप्शन देख अच्छी यशोधर। तो ऑप्शन देख पे कौन रोचे ना यशोधर्मन तुरामान अनंतवर्मन एंड मिहिरीकूल। तो 23 नंबर करेक्ट आंसर पे कौन हम 23 नंबर करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यशोधर्मन। 24 नंबर पे क्वेश्चन देख हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ तारिखी फिरोजशाही तारिखी फिरोजशाही बुक्र ऑथर किए बा लेखक किए यहाँ तो तुम जानते हैं मीडिया वाला हिस्ट्री क्वेश्चन आसी। तो ऑप्शन देख पे कौन अच्छी जियाउद्दीन बराणी आलबेरुणी अबुल फाजल मिंजाउस सिराज। तो पे करेक्ट आंसर कौन हम ना करेक्ट आंसर हम जियाउद्दीन बराणी कारण जियाउद्दीन बराणी दुटा बुक लिखी थे फेमस बुक तारिख आई फिरोजशाही आउ फतुआ आई जहानदारी आलबेरुणी फेमस बुक ना कौन किताबुल हिंद कहते तारिख आई हिंद जार मीनिंग हूँ द रियलिटी ऑफ हिंदुस्तान। अबुल फाजल कौन लिखते पे आईन अकबर एंड अकबरनामा मिंजाउस सिराज कौन लिखते पे तबाकत आई नासिर तबाकत ई नासिर किए लिखते मिंजाउस सिराज अबुल फाजल कौन लिखते अकबरनामा एंड आईन अकबरी आलबेरुणी कौन लिखते किताबुल हिंद
जियाउद्दीन बयान करते तारिख आई फिरोज साई आउ कौन फतुआ आई जहांदारी देख पाला जेहतु मुझे डिटेल्स इनफर्मेसन दूची तो टी समय लगे तुमने पूरा डिटेल्स इनफर्मेसन पाइब ना केवल क्वेश्चन पाच आंसर पाच डिटेल्स इनफर्मेसन पाच तो इन ह्विच पचिश नंबर देखा मैंने इन ह्विच इयर व्वाज बैटल अफ तलाइकोटा फट कौ वर्ष तलाइकोटा समर होता पे देख 1571 1581 1556 1565 तो ये जो 25 नंबर क्वेश्चन टा अच्छी पे 25 नंबर करेक्ट आंसर पे कौन हम ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 1565 बैटल ऑफ तलाइकोटा के 1565 1565 मसीह कौन बैटल ऑफ तलाइकोटा होता। नेक्स्ट पे देख 26 नंबर क्वेश्चन को आम जा 26 नंबर क्वेश्चन पे देख कौन रोज मार्किंग करदे द मीनिंग ऑफ वार्ड मानसव इज ये गोटे मीडिया वाला क्वेश्चन यहाँ आकबर समय क्वेश्चन टा आकबर टॉपिक रु जे मानसवर अर्थ कौन मानसवर अर्थ कौन मानसव मानसव तो जना पड़ू देख रैंक टाइप जना पड़ू कि ना मानसव मानसव तो पे देख ऑप्शन कौन अच्छी फास्ट ऑप्शन अच्छे प्रोसेसन ऑफ आर्मी पर्सन ये तो हम नहीं लैंड रेवेन्यू तो हम नहीं तृतीय अच्छे रैंक आउ कौन अच्छी प्रॉपर्टीशिप ऑफ लैंड तो 26 नंबर करेक्ट आंसर हो पाने देख यार करेक्ट आंसर कौन हम रैंक मानसव मीनस कौन मानसव इज ए रैंक पे जानव मानसविदारी जागीरदारी जप्ती सिस्टम इक्ता सिस्टम सब मीडिया वाला इंट्रोड्यूस होता तो मानसव मान कौन थी मैंने मानसव मान थी रैंक 27 नंबर क्वेश्चन पे देख शिवाजी कोरोनेशन टुक प्लेस इन द इयर शिवाजी राज्याभिषेक था के देख ऑप्शन 1674 1675 1672 1673 पे देख यार करेक्ट आंसर कौन हम 27 नंबर करेक्ट आंसर हम यहाँ शिव यहाँ मराठा मराठा जो थी मराठा रूल अच्छी मराठा रूल गोटे क्वेश्चन टा आ 27 पे आंसर कौन हम देख 27 पे आंसर हम 27 ए 1674 कौन है 1674 राज्याभिषेक होगा और 1680 मसीह मृत्युवरण करते। नेक्स्ट पॉइंट को जी पे 28 नंबर क्वेश्चन देख द मेंबर ऑफ शिवाजी अष्टप्रधान शिवाजी गोटे अष्टप्रधान मैंने 8टा मिनिस्टर थे कौन कह जाए तो 8 मिनिस्टर शिवाजी कतरे मिनिस्टर थे शिवाजी अपॉइंटेड फॉर स्मूथ कंडक्टिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर 8 मिनिस्टर 8टा मिनिस्टर को अपॉइंट करते से 8टा मिनिस्टर कौन कह जाए ना अष्टप्रधान शिवाजी जो थे 8टा मिनिस्टर कौन कह जाए अष्टप्रधान हु लुक्ड आफ्टर द फॉरेन अफेयर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट तक देते किए थे फॉरेन अफेयर्स किए थे रेवेन्यू डिपार्टमेंटर किए पुरोहित काम करुले किए सेनापति के दायित्व बुझुते हाँ किए जनरल अफेयर्स बुझुते फॉरेन अफेयर्स किए बुझुते तो यार करेक्ट आंसर पे कौन हम 28 नंबर प्रथम ऑप्शन देखिदे पे ऑप्शन देखिए पेशवा पेशवा तो हम ना पेशवा थे कौन प्राइम मिनिस्टर सचिव पंडित राव सुमंत तो 28 नंबर क्वेश्चन कौन पे 28 नंबर क्वेश्चन हम डी 28 नंबर डी हम करेक्ट आंसर सुमंत तो 29 नंबर पे जा 29 नंबर पे कौन रही देख द विजयनगर यहाँ पे बाहामणी और विजयनगर एम्पायर क्वेश्चन टा अच्छी तो विजयनगर साउथ इंडिया एक क्वेश्चन टा अच्छी साउथ इंडियान हिस्ट्री क्वेश्चन टा अच्छी द विजयनगर किंग हु कंक्वर्ड द कौन सिंघल इन 1442 इज जो विजयनगर एम्पायर किए प्रतिष्ठा करते पे जान हरिहर बुका विजयनगर प्रतिष्ठा एम्पायर किए प्रतिष्ठा करते विजयनगर एम्पायर हरिहर आउ बुका नामक दुई भाई कौन करते ना विजयनगर एम्पायर प्रतिष्ठा करते तो जो सिंघल द्वीप था सिंघल को किए कंक्वर्ड करते 1442 ऑप्शन देख हरिहर फास्ट सेकेंड देवराय फास्ट देवराय सेकेंड ऑप्शन आंसर कौन है पे 29 नंबर आंसर हम 29 नंबर डी 29 नंबर डी देवराय सेकेंड जी थे पे देवराय सेकेंड कौन करते पे सिंघल को 1442 कंक्वेस्ट करते केतक पे आंसर कर हरिहर सेकेंड कर तो ये आंसर सामान्य कन्फ्यूज अच्छी बट मो जानवर ये आंसर हम देवराय सेकेंड जो तुमको लगुच हरिहर सेकेंड मतलब कमेंट बक्स में कमेंट कर। 30 नंबर क्वेश्चन पे देख कुतुबुद्दीन आईबाक डायड व्वेन प्लेइंग ह्विच गेम कुतुबुद्दीन आईबाक केमी मृत्युवरण करते कौ खेल खेलुवा समय से मृत्युवरण करते ऑप्शन देख पे अच्छी पासा पोलो चेस आउ क्यारम पे चेस आउ क्यारम तो हम ना हाँ चेस आउ क्यारम तो बहुत रेयर हम तो पासा आउ रही पोलो पे पोलो खेलु खेलु से कौन करते मृत्युवरण करते पे पोलो केमी खेल हुए घोड़ा उपरे गोटे पोलो खेल से खेलटा
ଘୋଡ଼ାରୁ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ କେମିତି କ'ଣ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଖେଳ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ କୁତୁବ ନାୟକ ସେ ଘୋଡ଼ା ଉପରୁ ପଡ଼ିଗଲେ, ପଡ଼ି ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏଇଟା କେଉଁ ଖେଳ କୁହାଯାଏ ନା ପୋଲୋ ଖେଳ। ତ ପୋଲୋ ଖେଳୁ ଖେଳୁ କୁତୁବ ନାୟକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆକୁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ 31 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ରୁଲର ଅଫ୍ ଡେଲି ହ୍ୱେନ୍ ଅହମ୍ମଦ ଶା ଅବଦଲି ଡିଫିଟେଡ଼ ଦ ମରାଠା ଇନ୍ ଦ ଥାର୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ସେ ପାନିପତ ଇନ୍ 1761। ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ଟୋଟାଲ ତିନିଟା ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା 1526। ସେକେଣ୍ଡ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା 1556। ଥାର୍ଡ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1761। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କିଏ ରୁଲର ଥିଲେ ମରାଠା ଏମ୍ପାୟାର? ଅହମ୍ମଦ ଶା ଅବଦଲି ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ମରାଠା ଏମ୍ପାୟାରର ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଆଲମଗିରି ସେକେଣ୍ଡ, ମହମ୍ମଦ ଶା, ଜାହାଙ୍ଗୀର ଶା ଆଣ୍ଡ କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଶା ଆଲମ ସେକେଣ୍ଡ। ତ 31 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, 31 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ଡି। ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଏ ରୁଲର ଥିଲେ? ତ କିଏ ଥିବ ନା ଶା ଆଲମ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀର ରୁଲର। ଯେତେବେଳେ ଥାର୍ଡ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀର ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ ନା ଶା ଆଲମ ସେକେଣ୍ଡ। 32 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଦ ଓନ୍ଲି ହିନ୍ଦୁ କୋଟିୟର ଅଫ୍ ଆକବର ହୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ଼ ଦିନ୍ ଇଲାହି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିବ, ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଆକବର ଗୋଟେ ଲିବେରାଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆକବର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଦିନ୍ ଇ ଇଲାହି ନାମରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଫେଥ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ରିଲିଜିୟସ୍ ଫେଥ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ବା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଯିଏ ରାଜଦରବାରରେ ଥିଲେ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ? କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଏଇଆ। ତ ଦିନ୍ ଇ ଇଲାହିକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନା? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତୋଡ଼ରମଲ, ବୀରବଲ, ତାନସେନ, ମାନସିଂ। 32 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବୀରବଲ। ପିଲାମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ବୀରବଲ ହିଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ସେଇଟା? କେବଳ ତାଙ୍କର ଦିନ୍ ଇଲାହି ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଥିଲା କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା? ବୀରବଲ। 33 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ହୁ ୱାଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ମରାଠା କିଙ୍ଗଡମ୍? କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମରାଠା କିଙ୍ଗଡମ୍ର? କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା? ଅପସନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରାଜାରାମ, ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥ, ବାଜିରାଓ ଫାଷ୍ଟ, ବାଲାଜୀ ସେକେଣ୍ଡ। 33 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? 33 ନମ୍ବର ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥ। ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ? ମରାଠା କିଙ୍ଗଡମ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡର। କାହିଁକିନା ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଶିବାଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା'ପରେ ସମ୍ଭାଜୀ ପରେ ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ପରେ ସାହୁ ଆସିଲେ। ତ ସାହୁଙ୍କ ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ମରାଠା ଏମ୍ପାୟାର ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ତାଙ୍କୁ ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଏ କଲେ ବା ତାକୁ ନୂଆ ରୂପରେଖ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା? ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥ। ତା'ପରେ ଆସିଲେ ବାଜିରାଓ, ତା'ପରେ ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ, ଏମାନେ ସବୁ ପେଶୁଆ ଥିଲେ। ପେଶୁଆମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମୁଖ ପ୍ରଧାନ ବା ତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ 34 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଦ ଶିଖ ମିଲିଟାରୀ ସେକ୍ଟ ତ ଖାଲସା ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ବାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଖାଲସାକୁ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ? ଖାଲସା ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଗୋଟେ ଶିଖର ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ ଥିଲା, ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ ସେକ୍ଟ। ତ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ? ଅଥକ ପିଲାମାନେ ଅଛି ହର ରାଇ, ହର କିଶନ, ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଆଣ୍ଡ ତେଗ ବାହାଦର। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଆନ୍ସର ବହୁତ ଇଜି ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଦେଇପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ତୁମେ ଶୁଣିଦିଅ, ବେଳେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ନାମ ବୁଲାବା। ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଯିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା, ଖାଲସା ଯେଉଁ ଥିଲା ଦ ଶିଖ ମିଲିଟାରୀ ଫର୍ମକୁ ଯାଏ ଖାଲସା। ତ ଏ ଖାଲସା ସେଟ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲା ମିଲିଟାରୀ ସେକ୍ଟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଖାଲସା। କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ? ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ। ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ କଥା ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତା'ର ପର୍ଟିକୁଲାର ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆମର ମନେ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ଟେ ଅଛି। ତ ଆଜି ପାର୍ଟ ୱାନ୍ର ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ଏହାପରେ ପାର୍ଟ ଟୁ ଆସିବ। ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, 35 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଦ ମାର୍କେଟ ରେଗୁଲେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ବାଏ। ତ ମାର୍କେଟ ରେଗୁଲେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ? ଓକେ, ଅପସନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ରହୁଛି। ଅପସନ୍ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୋଗଲକ, ଏଲତୁତମିସ୍, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ୍ ଖିଲ୍ଜି, ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ୍ ଖାଲି ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ୍ ତୋଗଲକ ହେବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୋଗଲକ ତ ହେବ ନାହିଁ, ଇଲତୁତମିସ୍ ବି ହେବ ନାହିଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ୍ ଖିଲ୍ଜି। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ୍ ଖିଲ୍ଜି କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ମାର୍କେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପଲିସି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆର ବର୍ଷ ଏଇଟା ହେଉଥିଲା ପାର୍ଟ ୱାନ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପରେ ଦେଖୁଛ, ମୋର କ'ଣ ହେବ ନା ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍
फेब्रुआरी मास एंडिंग मार्च मास स्टार्टिंग रु कौन हम मोर पीजी रिलेटेड वीडियो केवल कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट पाई पूरा कंप्लीट कोचिंग मु देबी यूट्यूब रे पूरा फ्री कंप्लीट कोचिंग देबी तने को समस्त को अनुरोध करू छी आपन वीडियो को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु कमेंट करंतु पाखर ते बेल आइकन को बजाई दियंतु जा फल रे कौन हम ना मो चैनल ना प्रतिदिन नया नया इन्फॉर्मेशन पाई परिबे रहू छी बहुत बहुत धन्यवाद।